Hi everyone, this is Ajay Minto, Sushmita Tripathi and I welcome you all to the official YouTube channel of Hollywood. स्वागत है आप सभी का आज की सेशन में. If I'm audible, visible, सब ठीक है तो बताओ क्लास को शुरू करते हैं. Shall we start it now? ओके ग्रेट. नाउ शेयर इट वंस विद योर फ्रेंड्स. ठीक है, अपने अपने दोस्तों के साथ में एक एक बारी क्या कर दो, शेयर कर दो, जिससे बाकी सभी हमें ज्वाइन कर सके हमारे सेशन में. ओके चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल सी, जैसे आप लोग देख सकते हो कि हमारे वहां पर अभी सुपर सिलेक्शन सेल है. एंड इन द सुपर सिलेक्शन सेल इफ यू आर परचेजिंग एनी कोर्स तो आपको 55% ऑफ मिलेगा. एंड इफ यू आर परचेजिंग एनी पैकेज लाइक टेस्ट सीरीज और एनीथिंग तो वहां पे आप लोग को 20% ऑफ और 2 times वैलिडिटी मिलेगी. ठीक है, तो ये हमारा IBPS क्लर्क के लिए अभी एक कोर्स लॉन्च हो रखा है जिसमें आप देख सकते हो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपकी क्लासेस चल रही है. इंग्लिश का मतलब सॉरी हिंदी का मतलब होता है bilingual, कंप्लीट हिंदी नहीं होती है. ठीक है, तो ये दोनों क्लासेस अभी हम लोगों की चल रही है. जो भी इंटरेस्टेड है वो इसे क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है. एंड रिमेंबर टू यूज द कूपन कोड SUSHMITA. इसके अलावा ये आप लोगों की गोल्ड बैच है, इंडीड अ गोल्ड थिंग. ठीक है, तो इसे भी आप लोग जरूर परचेज कर लो, ये बहुत ही सही बैच है. ठीक है, ये आपकी शुरुआत कब से होगी, इसकी शुरुआत होगी 7th of July. 7th of July को मॉर्निंग 11 AM मेरी डेमो क्लास है. ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसे आप कर सकते हो. इसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या यहाँ पे हमारा पैटर्न होने वाला है और कैसी कंटेंट होने वाली है. तो आप लोग इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा 7 July को सुबह 11 बजे डेमो क्लास को. ओके, और फिर आप खुद ही डिसाइड कर लेना. यहाँ भी देख सकते हो आप लोग, ये आप लोगों का महा प्रैक्टिस बैच है. इसमें भी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो इसे परचेज कर सकता है. और याद रख के रहिएगा, रिमेंबर टू यूज द कूपन कोड SUSHMITA. और ये आपका सुपर सिलेक्शन सेल. ठीक है, तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया 2 times वैलिडिटी और 20% ऑफ मिलेगा. कोई भी कोर्स परचेज करते हो तो 55% ऑफ मिलेगा. ओके, रिमेंबर टू यूज द कूपन कोड SUSHMITA. ये आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ 4th July तक है, यानी आज और कल, उसके बाद ये एंड हो जाएगा. सो डू नॉट फॉरगेट, यूज दिस कूपन कोड. ओके, नाउ मूविंग टू सेशन फॉर टुडे. और हाँ भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखो, ये हमारी बैंकिंग सुपर एलीट का पैकेज है. इसमें आप लोगों को सारे टेस्ट, सारे के सारे कोर्सेस सब आपको मिलते हैं. फिलहाल में अगर आप बिफोर 4th of July से परचेज कर रहे हो तो 2800 में 12 months का आपको पूरा मिल जाएगा ये पैकेज. अच्छी बात ये रहेगी कि इसमें आप लोगों को सारे की सारी टेस्ट सीरीज, सारे के सारे कोर्सेज, सारे LPS आप सब अटेंड कर सकते हो अगले 12 महीने तक के लिए. तो जो भी इंटरेस्टेड है फटाफट परचेज कर लो, क्योंकि फिर इसकी प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. ओके, 4th of July तब तक ही कम है. चलो अब बढ़ते हैं सेशन की तरफ. सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी ऑफ इंडिया विल होस्ट G20, व्हाट इज द आंसर. देखो बहुत ही आसान से सवाल आपसे पूछा जा रहा है. पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन सा स्टेट है जो कि होस्ट करने वाला है G20 समिट भारत के अंदर. ओके, या द आंसर विल बी, व्हाट द आंसर हियर विल बी, जम्मू कश्मीर. ठीक है, देखो अभी अभी सरकार ने बताया कि हमारे वहां पे जो G20 होने वाला है 2023, देखो इंडिया कब से इसकी प्रेसिडेंसी अक्वायर कर लेगी, फ्रॉम 1st of December 2023 इंडिया इसकी प्रेसिडेंसी ले लेगी. और जम्मू कश्मीर में पहली बार हमारे देश में जो G20 होने वाला है वो जम्मू कश्मीर के अंदर होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको याद रखे रहना, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं. अब इससे क्या होगा, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है. ठीक है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर से और क्या याद रखे रहो, इसके अलावा याद रखे रहेगा यहाँ का लैवेंडर फेस्टिवल. ठीक है, कंचोत फेस्टिवल हुआ था यहाँ पर, देन हेरात फेस्टिवल, ये भी इसको सेलिब्रेट करा था इन लोगों ने. अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या याद रखे रहो सभी लोग. हाँ, एक और भी बात याद रखे रहिएगा कि पहली बार जो कोई ऐसा स्टेट जो अपने वहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या हुआ, हाँ पहला बायोटेक पार्क. अच्छा, ये मुझे कोई बता सकता है कि पहली बार इन्होंने अपने वहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या किया है. Anyone who can answer, पहली बार इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसा क्या किया है, नहीं बताओगे. हाँ, खैर एक और भी बात याद रखे रहेगा, NSWS से इंटीग्रेट होने वाला ये पहला यूनियन टेरिटरी बन गया था. इस पॉइंट को भी ध्यान रखे रहो, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, और क्या याद रखे रहेगा, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे सिस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी
ये शुरू किया गया, तो ये सवाल बन सकता है कि सिस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर आया है? ये आपका जम्मू कश्मीर पे आया, कश्मीर में आया है। यहाँ पे जो पल्ली विलेज है, पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत हो गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ठीक है? चलो, तो ये सारी बातें आप लोग याद रखो, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैज बीन ऑनर्ड विद प्रेस्टीजियस 2022 यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड? TSRTC, मो बस सर्विस, DTC, UPSRTC, HRTC, व्हाट इज द आंसर? Anyone? Okay. Now I'm getting the answers as what? C, B. देखो, MoBus Odisha based public transport service has been honored with a prestigious United Nations award. Okay. Reason: role and efforts in helping the world recover better from COVID. Okay. Initiative from Brazil, Canada, India, Ireland, Panama, Philippines, Poland, Saudi, Thailand, Ukraine have also been recognized. MoBus service launched in November 6, 2018, ठीक है? तो याद रखिएगा, ये ओडिशा सरकार को दिया गया है, और ये भी याद रखिएगा, ओडिशा सरकार को इस बार का नेशनल MSME अवार्ड भी दिया गया था। क्या दिया गया था? नेशनल MSME अवार्ड। जगन्नाथ यात्रा तो आप लोगों को पता होगा, अभी शुरू हुई है। इसके अलावा पूरी हमारे देश का सबसे पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना था जहाँ पे सभी घर में सही से पानी पहुंचाना शुरू कर दिया गया था, और चंबा हमारे देश का 100वां ऐसा डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च 17 शाला प्रवेशोत्सव टू बूस्ट द एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन प्राइमरी स्कूल्स इन द स्टेट? क्या हो रहा है? अच्छा, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा कट रहा है। ये क्या हुआ? वन सेकेंड, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, एक सेकेंड बच्चों। जस्ट वन सेकेंड, ओके, एक सेकेंड मुझे दो बस अभी। चलो, हल्की सी रिफ्लेक्शन रहेगी, ठीक है? बिकॉज अभी लाइट सिस्टम को सही करना बहुत बड़ा काम हो जाएगा, तो हल्की सी बस रिफ्लेक्शन रहेगी एक तरफ में, ओके? चलो, देखो आप लोग जैसे पूछ रहे हो, हाँ, जैसे आप लोग देख रहे हो ना कि कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है शाला प्रवेश उत्सव, तो ये लॉन्च करने वाले गुजरात के CM है, ठीक है? गुजरात CM भूपेंद्र पटेल हैज लॉन्च 17th शाला प्रवेश उत्सव। इसका मकसद क्या होगा कि जो भी यहाँ पे बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल में, इनका क्या किया जा सके, इनकी एनरोलमेंट बढ़ाई जा सके, ओके? 3 दिन का एनरोलमेंट है। ड्राइव स्टार्ट्स फ्रॉम मेमादपुर प्राइमरी स्कूल इन वदगाम तालुका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से शुरू हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है? इससे जो भी ड्रॉप आउट रेट है ना स्टूडेंट्स का, जो कम हो रहा है, वो नहीं होगा, वो धीमे धीमे ये लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये गुजरात में शुरू किया गया है। गुजरात रिलेटेड एक और बात याद रखिएगा, यहाँ पे बालिका पंचायत भी अभी शुरू किया गया है। बालिका पंचायत से क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस हैं आपके एग्जामिनेशन में। पंचायत हमारे देश में, जो हमारा आर्टिकल है, सॉरी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी शेड्यूल 11 में मेंशन्ड है, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखे रहो, म्यूनिसिपैलिटी शेड्यूल 12 में होता है, पंचायत हमारे वहां पर किस में होता है, पंचायत हमारे वहां पर मेंशन्ड होता है आर्टिकल, सॉरी, शेड्यूल 11 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों ये सारे के सारे, ठीक है? एनीवे, और क्या क्या याद रखे रहेगा आप लोग, कि इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ईशा आउटरीच के साथ में भी MOU साइन किया था। किस पे? ये सदगुरु जी का है, जो अभी आप लोग देख दो कि बाइक राइड पर है, ये सॉइल कंजर्वेशन के लिए, तो उसके लिए इन्होंने एक MOU साइन किया था। ये पहले आप लोग ध्यान रखे रहो। और क्या याद रखे रहिएगा, कि इन्होंने अपना ITITES पॉलिसी शुरू किया है, श्रेष्ठा जी प्रोग्राम लेकर आए हैं। श्रेष्ठा जी प्रोग्राम में वर्ल्ड बैंक ने $350 million ऑफर भी कर रहा है, तो वो भी ध्यान रखो आप सब लोग, ठीक है? और क्या याद रखे रहिएगा, कि हम लोगों के वहां पे गुजरात को बताया गया था, ये सबसे बड़ा क्या बना है, मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, ठीक है? गुजरात रिलेटेड अगर हम लोग थोड़ी स्टैटिक फैक्ट बात कर ले, तो गुजरात के अंदर कितनी सीट्स होती हैं, लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह। अगेन, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी ऑल नीड टू रिमेंबर एवरी टाइम, ठीक है? याद रखिए,
ये आपका यूनिकैमरल स्टेट है, 182 लेजिस्लेटिव असेंबली की इसमें सीट्स होती हैं। राज्यसभा और लोकसभा से क्वेश्चन पूछे जा सकता है, तो लोकसभा के इसमें सीट्स होते हैं 26, राज्यसभा के 11। ये यूनिकैमरल है, यानी सिर्फ और सिर्फ असेंबली होगी, काउंसिल नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग बिजनेस टाइकून प्लेस टू डोनेट 60,000 करोड़ फॉर सोशल कोर्सेज टू सेलिब्रेट हिज 60th बर्थडे। सोच रहे हो हम लोग, मुझे लगता है कि मैं 6,000 अगर कभी कर रही हूँ तो ज्यादा है, और ये 60,000 करोड़ कर रहा है, ये तो अति है एकदम। चलो खैर देखो क्या पूछा है कि कौन है बिजनेस टाइकून जिन्होंने कहा है कि वो 60,000 करोड़ सोशल कॉजेस के लिए डोनेट करने वाले हैं अपने 60वें बर्थडे पे। तो ये करने वाले आपके हैं कौन? अदानी साहब, ठीक है। कहाँ गए हमारे अदानी जी? ये रहे। इन्होंने कहा है कि मेरा 60वां बर्थडे है और इस 60वें बर्थडे पे मैं अपने देश को 60,000 करोड़ देना चाहता हूँ सोशल कॉजेस के लिए। बहुत बड़ी बात हो गई है, ठीक है। देखो, और जो हमारे वहां पे रिचेस्ट टाइकून्स की लिस्ट आती है वो बार बार ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। तो अभी जो हाल फिलहाल में ब्लूमबर्ग आई थी उसमें मुकेश अंबानी जी टॉप पर थे, उसके पहले अडानी साहब टॉप पे थे, इसमें कंफ्यूजन में बताना आप लोग, ठीक है। हाँ भाई, अब अदानी जी से रिलेटेड अगर हम लोग बातें कर लें तो अभी अदानी एनर्जी में टोटल एनर्जी ने जो है 25% तक का स्टेक लिया है। ये कहाँ की कंपनी होती है? ये कंपनी हो जाती है आप लोगों की फ्रांस की, ठीक है। हाँ भाई, और थोड़ी बातें बताओ अदानी जी की, किसी को याद आ रहे? हाँ देखो, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अभी एक अनाउंसमेंट की थी कि इनके जो प्रिंसिपल स्पॉन्सर हैं ये कौन है? ये हैं अदानी स्पोर्ट्स लाइन। तो ये भी याद रखे रहिएगा कि अदानी स्पोर्ट्स लाइन जो है ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के क्या है? प्रिंसिपल स्पॉन्सर है। यूएई में आप लोगों का जो T20 हो रहा है उसमें कौन सी भारतीय कंपनी ने फ्रेंचाइजी ली है? ये भी अडानी साहब ने ही ली है फ्रेंचाइजी यहां पर भी, ओके। और क्या याद रखे रहेगा, ये भारत का पहला विंड सोलर हाइब्रिड पावर फैसिलिटी शुरू कर रहे हैं जैसलमेर में, ठीक है। विंड सोलर हाइब्रिड पावर फैसिलिटी है, ये दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। कहां पर ये कर रहे हैं? जैसलमेर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो ये अभी हम लोग देखते हैं विंड पावर रिलेटेड, सोलर पावर रिलेटेड, ये हाइब्रिड मोड में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। Yes, और क्या याद रखे रहिएगा कि अदानी विल्मर जो है ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया है। इन्होंने पीछे कर दिया है हिंदुस्तान यूनिलीवर को, ठीक है। और अंबुजा और ACC को इन्होंने अभी अभी परचेज किया है $10.5 बिलियन से, ओके। इस सारे पॉइंट से याद रखे रहो। चलो अगला देख लेते हैं फटाफट। Who among the following was appointed as head of 12-member advisory committee that is formed by Supreme Court of Administrators? Okay, I'm getting the answers as hello Ranjit, that is the answer. One answer I got it as Ranjit. Everyone else is answering C, Bajaj, Ranjit. These are the answers. I'm getting C. Dekho, former owner of league side Minerva Punjab FC, Ranjit Bajaj has been appointed as the chairperson of 12-member committee formed by committee of administrators, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, बेसिकली जो भी AIFF से रिलेटेड तमाम चीजें होंगी वो इसको क्या करेंगे, उसे देखेंगे। तो ये जरा ध्यान रखे रहो, बस आपसे यही पूछा जाएगा कि कौन इसके चीफ बनाए गए। इसके अलावा अगर हम लोग ये देख लें कि बेसिकली AIFF का क्या काम होता है ना, अगर हम लोग ये एक बार ही देख लें कि ये AIFF है क्या, इसका काम होता क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन होता है ये, ओके। और इसके अलावा हम लोग को क्या याद रखना चाहिए, इसके अलावा हमें याद रखना चाहिए कि इसके प्रेसिडेंट होते हैं पटेल साहब, फॉर्मेशन हुई थी इनकी 1937 में, और हेड ऑफिस कहां पर होता है? न्यू दिल्ली। भारत की रैंक फीफा में क्या है? 104। सुनील छेत्री जो है यह भी जॉइंट गोल स्कोरर में 5th हाईएस्ट स्कोरिंग में थे, ठीक है। चलो अगला देखो, रुमेली धर, हु हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट इन द मंथ ऑफ जून, इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट्स? बताओ भाई फटाफट, सभी लोग बताते चलो जल्दी जल्दी, बहुत आसान सवाल है आपसे पूछा जा रहा है कि रुमेली धर जी ने क्या किया है, अपना अनाउंसमेंट अभी सॉरी अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? ये क्रिकेट से, सॉरी यहाँ पे आ जाते हैं, ओके ये आ गए मेरे पेन। तो देखो, इंडियन सीम बॉलिंग ऑलराउंडर रुमेली धर हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट एट 38, ठीक है। तो ये रिटायरमेंट से रिलेटेड है। शी हैज बीन फीचर्ड इन 4 टेस्ट, 78 ODIs एंड 80 T20s। इसके अलावा और इन्होंने अभी रिटायरमेंट अनाउंस किया अपना, मिताली
राज इन्होंने भी अनाउंस किया है, ठीक है। यप, नेक्स्ट देख ले। Who among the following was appointed as Director General of NDB, Indian Regional Office located in Gujarat International Finance Tech City? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, देखो अगर हम लोग बात करते हैं, हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि अभी अभी किसको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है, सॉरी पूछा जा रहा है हमसे कि अभी अभी किसे डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है एनडीबी का, जो इन्होंने एक यूनिट शुरू किया है गिफ्ट सिटी के अंदर। ये किया गया है किसको? डीजे पांड्यान जी को, ठीक है। डीजे पांड्यान जी बनाए जाएंगे और एनडीबी पहली बार ऐसा होगा कि अपने देश में कोई एक अपनी ऑफिस शुरू कर रही है। एनडीबी के चीफ कौन हो जाते हैं? मार्कस ट्रॉयजो, मार्कस ट्रॉयजो। और क्या याद रखिएगा, कुछ दिन पहले एनडीबी ने ब्रिक्स पार्ट एनआईआर के साथ में एक एमओयू साइन किया था कि ये लोग मिल करके डेवलप कराएंगे ब्रिक्स कंट्रीज को। एनडीबी के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? 9 मेंबर्स होते हैं। ब्रिक्स तो आपकी होती हैं सारी की सारी कंट्रीज, और इसके अलावा और कौन हो जाती है? उरुग्वे, हाँ उरुग्वे हो जाएगी, बांग्लादेश, यूएई, और जो न्यूएस्ट एडेड थी ये थी इजिप्ट, ठीक है। तो ध्यान रखो इन बातों को, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, एवरीथिंग ओके। अगला देखो, विच स्टेट ओन्ड पेट्रोलियम कंपनी लॉन्च्ड इंडोर कुकिंग स्टोव नेम सूर्य नूतन दैट यूजेस सोलर एनर्जी ऑफ सन टू कुक फूड? ईरान को सब कुछ ज्वाइन करना है। ओके, सो हियर वी आर गेटिंग द आंसर्स एज व्हाट? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। देखो जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, इन्होंने अभी अभी एक स्टेशनरी रिचार्जेबल कुकिंग स्टोव लॉन्च किया है जिसका नाम है सूर्य नूतन, ठीक है। ये किचन कनेक्टेड कुकिंग स्टोव है जो कि सन का एनर्जी यूज करके और कुकिंग फूड जो है कुक करती है, ओके। तो ये जरा आप लोग बस ध्यान रखे रहो, इससे बहुत ज्यादा डीप में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। IUC ने इसे लॉन्च किया है, ये एक अलग बात है जो आप लोगों को याद होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है जरूर आ जाए, ठीक है। IUC की अगर हम लोग बातें कर ले तो ये कहाँ पर स्थित होता है? ये स्थित होता है आपका महाराष्ट्र, वहां पे इनकी क्या हो जाती है? हेड ऑफिस हो जाती है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि IOCL के चेयरमैन कौन है फिलहाल में? श्रीकांत वैद्या, ठीक है। चलो अगला देखें, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड यूनिक कस्टमर क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट नेम्ड LIT, ठीक है। तो ये लिव इट टुडे करके इसका फुल फॉर्म है, बहुत ही बेहतरीन तरीके का कार्ड है, ये कस्टमाइज कर सकते हैं कस्टमर्स अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। पहली बार ऐसा कार्ड देखने को मिला है। किस बैंक ने इसको लॉन्च किया? धनलक्ष्मी, उज्जीवन, बैंक ऑफ बड़ौदा, AU स्मॉल और RBL? क्या आंसर है बताओ? देखो अगर हम लोग बात करते हैं, आपसे पूछा गया है कि ये किसने लॉन्च किया, ये लॉन्च करने वाला आपका AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। AU ने लॉन्च किया है, LIT का मतलब क्या हो जाता है? लिव इट टुडे, लिव इट टुडे, ये हो जाता है इसका फुल फॉर्म। इसका बेसिक इसका जो यूज होगा, ये आप लोग कह सकते हो इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि कस्टमर्स अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं? कस्टमाइज कर सकते हैं, जो इसकी एक बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि ये इसका हेड ऑफिस AU का कहाँ होता है? जयपुर में स्थित है। और इनके फाउंडर कौन थे? संजय अग्रवाल, इनके क्या थे? फाउंडर। अब अग्रवाल की क्या स्पेलिंग है करेक्ट इनकी, वो मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो वहां पे हो सकता है मुझसे शायद कोई गलती हुई हो, बिकॉज स्पेलिंग बहुत बड़ी चीज हो जाती है मुझे लगता है। खैर, टैगलाइन इनकी क्या होती है? टैगलाइन आप लोगों को पता होगी, बदलाव हमसे है। और एक और बात बच्चों, ये हमारे देश का सबसे बड़ा, ये हमारे देश का सबसे बड़ा क्या होता है? स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है, ठीक है, ध्यान रखे रहना। सबसे पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा था? कैपिटल। सबसे नया कौन सा है? यूनिटी, ठीक है, ओके। तो मेरा बोर्ड जवाब दे दिया, तुम लोग 2 मिनट रुके रहो, बेचारा इतना चल रहा है तो क्या होगा, इसे आदत नहीं है इतनी चलने की, ओके 2 मिनट रुके रहना सब, ऐसा कभी कभी होता है, ओके। ये बिल्कुल जवाब देता है, अब मैं नहीं चल सकता हूं।
देख लो इसके स्टार्टिंग तुम लोग आज तक कई बार देख चुके होगे। ओके तुम लोग वहां पे बारिश हो रही है जहां भी तुम लोग हो अभी। ओके थैंक गॉड। One second, huh? Yes. So we were here, है ना? Live it today वाला हम लोग अभी discuss कर रहे थे, okay? Thank God. चलो, जैसे आप लोग देख सकते हो, बर्फ हो रही है, यहाँ पे भी काफी अच्छी बारिश हो रही है। आज यहाँ पे जो हवा चल रही थी उसकी रफ्तार थी 26 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचो जरा, एकदम लगता है कि पेड़ पेड़ उखड़ के आगे ही आ जाएगा। एक दिन तो बड़ा सा नारियल गिर गया था नीचे। खैर चलो, अच्छा हुआ कोई उसके नीचे नहीं था। तो ये बातें हमने देख ली, अब चलो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? Which general insurance company has signed a pact with PLS Financial Product Distribution to make easy distribution of retail and commercial line of product? बताइएगा। दिल्ली तो यार अजीब जगह है, वहां पे कोई रेनवे नहीं है, बस पॉल्यूशन होती है दिल्ली में और कुछ नहीं होता है। चलो देखो, और कभी कभी थोड़ी सी भूकंप आ जाती है वहां पे, अलग ही चलता है। देखो आपसे पूछा गया कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने एक पैक्ट साइन किया पीएलएस फाइनेंशियल प्रोडक्ट के साथ, ये सब किया हुआ हमारा क्वेश्चन है। देखो लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस ने किया है पीएलएस फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के साथ में। बेसिकली क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लिबर्टी रिटेल और कमर्शियल लाइन ऑफ प्रोडक्ट को। ओके अब जैसा मैंने आप लोगों से एक और बार क्वेश्चन पूछा था, क्या हम इसे बैंक अश्योरेंस कहेंगे या नहीं करेंगे, जो लिबर्टी ने पीएलएस के साथ में मिलकर के एमओयू साइन किया है कि अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल करेंगे, क्या इसे बैंक अश्योरेंस कहोगे या नहीं कहोगे, क्या होगा आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर बेस्ड कंपनीज हैज इंट्रोड्यूस्ड ओसीआई डेडिकेटेड रीजन फॉर द इंडियन मार्केट, और Oracle, IBM, Accenture, Workday और Adobe। इसे बैंक अश्योरेंस नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि बैंक अश्योरेंस बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। ये आप लोगों की जो PLS है, ये एक ऐसी इन जनरल जैसे पॉलिसी बाजार टाइप होते हैं, ये ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो ये बैंक अश्योरेंस नहीं है, ठीक है? हाँ, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर बेस्ड कंपनी ने OCI डेडिकेटेड रीजन शुरू किया, ये Oracle ने किया, अपना क्लाउड यूज करने के लिए इन्होंने इसको ऑफर करा है, ठीक है? अगला देखो, कौन से इंडियन स्टेट प्रोजेक्ट में रेनफेड एग्रीकल्चर स्टीप एरियाज में अप्रूव कर दिया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? बहुत आसान सवाल है। रेनफेड एग्रीकल्चर जहां पे इस वाटर का यूजेस किया जाता है, ठीक है? मैंने आपको ये भी बताया था काफी सारे क्रॉप्स भी इसमें होते हैं, अपने सेशन में हमने डिस्कस किया था। तो देखो रेनफेड एग्रीकल्चर अभी अभी अप्रूव किया गया उत्तराखंड के अंदर, और इसका अप्रूवल दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसके लिए जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है ये है 1000 करोड़ की, ठीक है? जो वॉटरशेड डिपार्टमेंट है ये उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट को कैरी ऑन करेगी, और इसका मकसद यही है कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको कम किया जा सके। ओके, विच स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड एज कंट्री ऑफ द ईयर बिकॉज ऑफ द ग्लोबल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स? बताइएगा। जल्दी जल्दी बता दे चलो सभी। यहाँ आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कौन सी स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस ने इंडिया जो है रिकॉग्नाइज की गई है कंट्री ऑफ द ईयर? आई एम गेटिंग द आंसर सेज वाइवाटेक, वेरी गुड, ठीक है? देखो यूरोप बिगेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस वाइवाटेक, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है इंडिया को कंट्री ऑफ द ईयर। द कंट्री हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड विद दिस ऑनर ड्यू टू ग्लोबल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स। द स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग रैपिडली एंड हैज ओवर 100 यूनिकॉर्न्स। और हमारे देश में जो इस बार जीनोम स्टार्टअप की रैंकिंग आती है उसमें बांग्लादेश की ओवरऑल क्या रैंकिंग थी, सॉरी बांग्लादेश कह रही हूँ, बेंगलुरु की क्या ओवरऑल रैंकिंग थी, ये थी 22। केरल की अफोर्डेबल टैलेंट में ओवरऑल वर्ल्ड 4 थी, और इन एशिया फर्स्ट थी, ठीक है?
स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी अगर आप लोग देखो तो इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, इस वजह से दिया गया है। कौन से बैंक ने लॉन्च किया वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस बताइएगा। हाँ, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन से इनमें से कौन से बैंक ने लॉन्च किया है वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, बहुत सारे आंसर हमें दिख रहे हैं। द आंसर विल बी व्हाट? यस, वेरी गुड। देखो, कर्नाटका बैंक ने इसे लॉन्च किया अभी अपने वहां पे, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। ये एक ऑनलाइन सेविंग बैंक अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी है। ठीक है, तो याद रखे रहिएगा कि ये जो फैसिलिटी है इससे जो है बहुत ही मदद मिलने वाली, बिकॉज कंप्लीटली चीजें क्या हो जाएंगी, डिजिटल हो जाएंगी, पेपरलेस हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली ओवरऑल बहुत ही ज्यादा क्या मिलने वाली है, मदद मिलने वाली है। ओके, हाँ, अब मुझे ये बताओ जरा कि कर्नाटका बैंक के आप लोगों के चीफ कौन हो जाते हैं? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ कर्नाटका? एनीवन? नहीं बताओगे? खैर, याद रखे रहेगा, इन्हें इस बार 3 बैंकिंग टेक अवार्ड्स दिया गया था। किसकी बात हो गई? कर्नाटका बैंक की। ठीक है, इन्हें 3 बैंकिंग टेक अवार्ड दिया गया था इस बार, जो है इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा ये अवार्ड इन्हें दिया गया था। ओके, और क्या याद रखे रहेगा? और आप लोग याद रखे रहेगा कि ये जो कर्नाटका बैंक है, यस, इन्हें जो है इन्होंने अपना कासा कैंपेन भी शुरू किया था, KBL करके जो ये लोग लेकर के आते हैं। तो वो ऐसे पूछे जा सकते हैं आप लोगों से कि ये किसका होता है कासा, KBL किसका होता है? तो ये आपका कर्नाटका बैंक का होता है। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ी सी बातें कर लें तो ऑब्वियसली कर्नाटका लिखा हुआ है, कहाँ का बैंक है ये? मेंगलुरु इसका हेड ऑफिस होता है, बेंगलुरु से मत कंफ्यूज करना। ठीक है, मेंगलुरु में इसका हेड ऑफिस होता है, ये ध्यान रखे रहिएगा। इनके जो CEO होते हैं ये हैं महाबलेश्वर MS, और इनकी फाउंडेशन हुई थी 1924 में। ठीक है, CEO का नाम याद रखे रहो, महाबलेश्वर MS। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख ले। Which edition of US India 2+2 ministerial dialogue was held in April 2022? बताइएगा। 2+2 मैंने आप लोगों से कई बार डिस्कस किया है कि 2+2 जो डायलॉग होता है ये किसी भी कंट्री के बीच में हाईएस्ट डायलॉग्स होते हैं। US के साथ में अभी हमने कौन सी एडिशन की थी? US के साथ में हमारी अभी 4th एडिशन कंडक्ट की गई थी। ठीक है, देखो, रिसेंटली 4th 2+2 डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड US took place in Washington। ये कहाँ पर हुई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये Washington में हुई थी। ठीक है, इस मीटिंग को जो है वर्चुअल मीटिंग के तौर पर किया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ US। US इज इंडियाज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 2+2 टॉक्स पार्टनर। द फर्स्ट 2+2 बिटवीन टू कंट्रीज वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इन 2018। क्या कोई मुझे बता सकता है कि इसके अलावा कौन सी और 3 कंट्री है जिनके साथ में हमारा 2+2 डायलॉग होता है? एनीवन? हाँ, ऐसी कौन सी और 3 कंट्रीज हैं जिनके साथ में हमारा 2+2 डायलॉग होता है? ओके, देखो, 3D स्मार्ट सिटीज स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विद सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये अभी आप लोगों का स्मार्ट सिटीज स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस हुआ है, कहां पर ये हुआ है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया। वेरी गुड, ये आप लोगों का सूरत के अंदर हुआ है। ठीक है, याद रखे देगा कि इस बार जो आप लोगों का अवार्ड दिया गया था ये इंदौर को दिया गया था सिटी की कैटेगरी में, यूपी को दिया गया था स्टेट के कैटेगरी में। ठीक है, और सूरत में और क्या हुआ है? स्टील रोड भी आया यहां पर, है ना, और बुलेट ट्रेन का स्टेशन, ये सारी चीजें भी आपकी सूरत में हुई है, ध्यान रखोगे। विच इंडियन सिटी होस्टेड फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस? ये तो बहुत आसान सवाल है। हाँ, यहां आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी इंडियन सिटी ने अपने वहां पर होस्ट किया था पहला इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस, ये करने वाली कौन सी थी? मुंबई। ओके, नेक्स्ट, इंडिया ग्लोबल फोरम्स एनुअल समिट वॉज ऑर्गेनाइज इन विच सिटी ऑफ इंडिया? बेंगलुरु, हैदराबाद, भोपाल, जयपुर और पुणे। ओके, अब आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि इंडियन ग्लोबल फोरम एनुअल समिट ऑर्गेनाइज किया गया है किस सिटी में? देखो, ये आप लोगों का बेंगलुरु, कर्नाटका में किया गया है इंडियन ग्लोबल फोरम्स एनुअल समिट, ये ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, ये तमाम तरीके की जो भी आपकी टेक ड्रिवन डिस्ट्रप्शन वगैरह है उन सारी चीजों को एक साथ में मीटअप करेगा। ओके, खैर, एक बात और आप लोग याद रखिएगा कि जो प्रीवियस एडिशन है इसको होस्ट किया गया था दुबई में एंड UK एंड एड्रेस बाई
esteemed speakers like Prime Minister Narendra Modi, PM of UK Boris Johnson, amongst other leaders. ठीक है, बेंगलुरु में और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्फ्रेंस था ये था सेमिकॉन, ये भी बेंगलुरु में हुआ था. ठीक है, यहाँ क्या पूछा जा रहा है, कौन सी कंट्री ने होस्ट किया G7 एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग, इटली, पोलैंड, जर्मनी, इंडिया या फ्रांस? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन इजंट इट. अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है G7 एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग. ठीक है, ये करने वाला है आपका, वेरी गुड, ये आप लोगों का जर्मनी में हुआ है. ओके, इस बार का होस्ट आपका जर्मनी है. क्या कोई मुझे बता सकता है कि नेक्स्ट ईयर का होस्ट कौन है, 2023 में G7 कौन होस्ट करने वाला है? G7 कंट्रीज को याद रखने का तरीका, फर्जी, UGC. ठीक है, ऐसे आप लोग याद रख सकते हो. यस, नेक्स्ट ईयर ये होस्ट करने वाला है जापान. इंडिया क्या होस्ट करेगा, G20. ठीक है, इजिप्ट क्या होस्ट करेगा, हाँ, COP 28. ठीक है, सॉरी 27. ये सारे पॉइंट्स आप लोग जरा ध्यान रखे रहो, सबके सब इंपॉर्टेंट है बहुत. Which of the following state UT become third, 36th state UT to implement one nation, one ration? ये हम लोगों ने बहुत बार किया है बच्चों, मुझे अब उम्मीद है कि अब आप लोगों को याद हो जाना चाहिए. ये करने वाला असम है, ये 36th state UT है, या फिर आप लोग कह सकते हो लास्ट, जिसने अपने वहां पे ONORC को क्या कर लिया है, इम्प्लीमेंट कर दिया है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असम. ठीक है, यस, असम में अभी अभी कौन सा फेस्टिवल हुआ था इंपॉर्टेंट, किसी को याद आ रहा है? बाइको, ओके, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय विनिंग देयर फर्स्ट एवर रणजी ट्रॉफी टाइटल एट M. Chinnaswamy स्टेडियम, बताइएगा. यहाँ से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सी टीम है जो अभी अभी हिस्ट्री क्रिएट की है बाय विनिंग देयर फर्स्ट एवर रणजी ट्रॉफी, तो ये कौन सी टीम थी? मुझे आंसर्स मिल रहे हैं MP, वेरी गुड. देखो, मध्य प्रदेश ने अभी अभी इतिहास रच दिया है, और इन्होंने क्या है, किसको हराया है, मुंबई को. ठीक है, 6 विकेट से वो भी हराया. अच्छा, ये कहां पर हो रहा था, ये आप लोगों का बेंगलुरु में हो रहा था. मध्य प्रदेश हैज चेस्ड डाउन 108 इन फोर्थ इनिंग, ये हम लोगों को नहीं याद रखना है, लेकिन ये याद रखे रहेगा, मध्य प्रदेश हैज नाउ बिकम द फोर्थ फर्स्ट टाइम विनर ऑफ रणजी ट्रॉफी इन लास्ट 5 सीजन, ज्वाइनिंग गुजरात, विदर्भा, गुजरात, विदर्भा द 2-time विनर्स एंड सौराष्ट्र. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगी, रणजी ट्रॉफी किसको बिलोंग करता है, किस गेम से, तो ये तो एकदम दो कौड़ी वाली चीज हो जाएगी, जो कि सभी लोग आप लोग बता ही सकते हो बड़े इजीली. ठीक है, क्या है रणजी ट्रॉफी की हम लोग बात कर लें तो याद रखिएगा, ये डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैंपियनशिप में कंसिडर किया जाता है. फिलहाल के जो चैंपियन है ये कौन है, ये है आपकी मध्य प्रदेश. ठीक है, हाँ भाई, आगे बढ़ा जाए, किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी, एवरीथिंग ओके? हाँ हाँ, चलो, क्या है, अगर हम लोग एक और बात कर ले कि ये पहली बार कब हुआ था, तो ये 1930s में हुआ था. मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद आ रही है, लेकिन 1930s में कभी हुआ था. एक बार तुम लोग ये देख लेना, फर्स्ट टाइम प्लेड इन, इसे एक बार देख लेना, मुझे एकदम से भूल रहा है, तो इसे तुम लोग देख लेना. ठीक है, नेक्स्ट देखो, ग्रुप ऑफ 7 countries ने कहा है कि ये कितने डॉलर रेज करेंगी फॉर हेल्पिंग डेवलपिंग कंट्रीज इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज इंफ्रास्ट्रक्चर्स. ठीक है, 1000 billion dollar, 800, 1500, 600 और 500, व्हाट इज द आंसर? ओके, वेरी गुड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा $600 billion. ठीक है, जो G7 countries है इन्होंने कहा है ये $600 billion प्लेज करेंगी, जिससे ये लोग मदद करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज की वो टैकल कर सकें क्लाइमेट चेंज. ओके, अगला, हु अमंग द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर्स हैज बीन अवार्डेड गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड बाय इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम एंड इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन?
महेश भूपति, रमेश कृष्णन, निरुपमा, संजीव, जिशान अली या विजय अमृतराज? बताइएगा। ऑल आई एम गेटिंग आंसर्स इज ई, विजय अमृतराज। देखो इंडिया के विजय अमृतराज, देखो इंडियाज विजय अमृतराज हैज बीन अवार्डेड 2021 गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड बाय इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम एंड द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। This award is conferred to a person who has made important contributions in internationally to tennis in the field of administration. The award was presented at a special celebration hosted in London. Okay. Zuljana, a 25.5 meter long solid fueled rocket has been launched by which country into space? इसे हम लोगों ने बहुत बार कर रखा है, ठीक है? ये किसने लॉन्च किया है? वेरी गुड, इसे लॉन्च करने वाला आपका ईरान था। ईरान ने लॉन्च किया है जुलजना, ठीक है? ये सॉलिड फ्यूल रॉकेट है, 25.5 मीटर लॉन्ग रॉकेट। कहाँ स्पेस में इन्होंने इसे लॉन्च किया है? इसका नाम क्या है? जुलजना। ये बस आप लोग याद रखे रहेगा। ईरान जो है SCO का 9th मेंबर बन गया था और ये FATF की ब्लैक लिस्ट में भी है। सिर्फ और सिर्फ उसमें ईरान और नॉर्थ कोरिया है, ठीक है? ये जरूर याद रखे रहो। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस डे 2022 व्हिच इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन जून 27? बताइएगा। यस, बहुत ही आसान से सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है। आप लोगों से यह पूछा जा रहा है कि थीम क्या था वर्ल्ड एमएसएमई डे का, इजंट इट? ओके, देखो अगर हम लोग देखें तो जो वर्ल्ड एमएसएमई डे है ये ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली 27 जून को ताकि रिकॉग्नाइज किया जा सके कंट्रीब्यूशन इन इंडस्ट्रीज का इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। थीम क्या है 2022 का आप देख सकते हो, रेसिलियंस एंड रीबिल्डिंग एसएमईज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली has marked first World MSME Day by 74th plenary on April 6, 2017, ठीक है? हाँ भाई, MSMEs, micro, small, medium enterprises, ये हम सभी लोगों को पता है। कैसे हम लोग इसे categorize करते हैं? जो micro होता है, इसकी investment limit 1 करोड़ होती है और turnover क्या होती है? 5 करोड़ होती है। अगर हम लोग small की बात करें तो investment 10 करोड़ होती है और turnover क्या होती है? 50 करोड़ होती है। अगर हम लोग बात कर लें medium की तो investment limit होती है 50 करोड़ और टर्नओवर होती है 250 करोड़। ऐसे याद रख सकते हो आप लोग, ये आपके माइक्रो, ये स्मॉल और ये मीडियम। ओके, इसके ऊपर जो चला जाएगा वो हैवी एंटरप्राइज हो जाता है। चोवालूर कृष्णमूर्ति हु पास्ड अवे वाज एन जर्नलिस्ट, एक्टर, सिंगर, पॉलिटिशियन, एंटरप्रेन्योर। बताइएगा। देखो, अ नोटेड लिरिसिस्ट, ऑथर एंड जर्नलिस्ट चोवालूर कृष्णमूर्ति पास्ड अवे एट द एज ऑफ 86। ही हैज स्पेंट ओवर 3000 डिवोशनल सॉन्ग्स एंड ऑथर्ड मोर देन 200 बुक्स। ही वाज रिटायर्ड फ्रॉम द मेघालय मनोरमा डेली एज एन असिस्टेंट एडिटर। अवार्ड कौन से मिले? केरल साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर सटायर, पूनाथनम, ज्ञानपना एंड प्रवति पट्टहनम अवार्ड्स अमंग अदर्स, ठीक है? पट्टथनम, सॉरी। ओके, अगला देखो, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी? बताइएगा। ओके, तो यहां पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसको अपॉइंट किया गया नया चेयरपर्सन सीबीडीटी का। देखो, आईएएस ऑफिसर नितिन गुप्ता has been appointed as new chairperson of the Central Board of Direct Taxes, okay? अभी इनके पहले संगीता सिंह जी को दिया गया था और इनके पहले जेबी मोहापात्रा थे, ठीक है? CBDT is headed by a chairman, may consist of 6 members in the rank of a special secretary. Who among the following has replaced Narinder Dhruv Batra to become acting president of Indian Olympic Association?
ओके okay. अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से किन्होंने नरेंद्र बत्रा को रिप्लेस किया है, ठीक है? देखो, हाँ, द दिल्ली हाई कोर्ट हैज पास्ड एन ऑर्डर दैट नरेंद्र ध्रुव बत्रा कैन नॉट कंटिन्यू एज द प्रेसिडेंट. ओके, सो ये भी याद रखे रहेगा आप लोग कि द कोर्ट हैज ऑल्सो अपॉइंटेड अनिल खन्ना एज एक्टिंग प्रेसिडेंट. ओके, ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो. अगला देखो, इंडियन एयरफोर्स हैज पार्टिसिपेटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एयरफोर्स इन देयर टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम. फ्रांस, इजिप्ट, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन और यूएसए. व्हाट इज द आंसर, बताइएगा. ओके, मुझे सारे आंसर्स मिल रहे हैं एज इजिप्ट, विच इज नॉट रॉन्ग. ठीक है, तो जो इंडियन एयरफोर्स है ये अभी अभी इजिप्ट के साथ में पार्टिसिपेट की है. ठीक है, हाँ, अभी अभी इजिप्ट के साथ में पार्टिसिपेट की है इन देयर टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम. ओके, और ये देखिएगा भारत की तरफ से कौन कौन पार्टिसिपेट किया है. थ्री सुखोई 30 MK1 Mark 1, 2 C-17 एयरक्राफ्ट एंड 57 IAF पर्सनल, ये लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं. पायलट स्कूल ऑफ नाटो, वेरी गुड भारती. ठीक है, इसे ये भी नाम दिया जाता है पायलट स्कूल ऑफ नाटो. ठीक है, जो इनका टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम होता है. नेक्स्ट देखो, इजिप्ट में कौन कौन से, इजिप्ट ने क्या इस बार होस्ट किया था, ये भी जरा आप लोग ध्यान रखे रहिएगा. यंग पार्लियामेंटेरियन, ये इजिप्ट ने इस बार होस्ट किया है. ओके, नेक्स्ट, नेम द इंडियन साइक्लिस्ट हु हैज, सॉरी, नेम द इंडियन साइक्लिस्ट, कहां आ गए हम लोग, सॉरी, who has created history by winning silver in the sprint event at the Asian Cycling Championship 2022. देखो, भारत के रोनाल्डो सिंह ने अभी अभी हिस्ट्री लिख दी है by winning silver in sprint event at the Asian Cycling Championship 2022. He also became the first Indian cyclist to win a silver medal at the Asian Track Championship. Ronaldo Singh Letonjam hails from Manipur and started cycling at the age of 14. He had created a national record in the quarterfinal with 9.946 second sprint. Okay. Who among the following wrestlers have won a gold medal in U23 Asian Wrestling Championship 2022 in Bishkek? Batayega. Ek second. Haan, thank God. Okay. Batayega zara. सॉरी, या देखो, टोक्यो ओलंपियन दीपक पुनिया हैज विन अ ब्रॉन्ज मेडल इन U23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इन बिश्केक. तो आपको क्या याद होना चाहिए, इनका नाम याद होना चाहिए, इनका मेडल याद होना चाहिए और ये कहां पर हुआ, ये तीन पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग NBFC बिकम्स फोर्थ NBFC टू रिसीव अप्रूवल फॉर इशुएंस ऑफ सेमी क्लोज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम RBI. बताइएगा. ब्रॉन्ज मेडल ही तो था अंकित, एज फार एज आई रिमेम्बर ये ब्रॉन्ज ही तो थे ना विनर, अगर कोई और था तो मैं देख लूंगी, बट एज फार एज आई रिमेम्बर इट वॉज ब्रॉन्ज ओनली. चलो देखो, यहाँ पे अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया हुआ है. हाँ, यहाँ आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि कौन सी NBFC है जो कि फोर्थ NBFC बनी है रिसीव करने वाली अप्रूवल फॉर द इश्यूएंस ऑफ सेमी क्लोज्ड. सेमी क्लोज्ड का क्या मतलब होता है, जो आप लोग अलग अलग मर्चेंट्स वगैरह पर जाकर के जिसका यूज कर सकते हो फॉर द पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस. एग्जाम्पल क्या हो सकता है, गूगल पे, Amazon पे, ये सारे आपके एक एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके. ठीक है, खैर देखो, मुफिन फाइनेंस NBFC हैज रिसीव्ड एन इन प्रिंसिपल RBI अप्रूवल फॉर इश्यूएंस ऑफ सेमी क्लोज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट. इट इज फोर्थ NBFC टू रिसीव सच अ लाइसेंस फ्रॉम RBI. ठीक है, तो ये ऐसी चौथी NBFC है जिसे ये लाइसेंस दिया गया RBI के द्वारा.
Other three Bajaj Finserv, Manappuram and Paul Merchants. Mufin Finance established in 2016. Which of the following fintech services companies has launched offline UPI 123 pay payment and wearable ATM cards? बताइएगा सभी लोग. देखो आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनटेक सर्विसेज कंपनीज हैज लॉन्च्ड ऑफलाइन यूपीआई 123 पेमेंट एंड वेरिएबल एटीएम कार्ड. ठीक है, तो देखो एस मनी ने लॉन्च किया है यूपीआई 123 पे पेमेंट एंड वेरिएबल एटीएम कार्ड्स. यूपीआई 123 पे अलाउ पीपल टू कैरी आउट कैशलेस ट्रांजेक्शन विदाउट स्मार्टफोन्स और इंटरनेट कनेक्शन बाय यूजिंग फीचर फोन्स ओनली. वेरिएबल एटीएम कार्ड्स इट इज डिजाइंड एज अ की चेन्स एंड रिंग्स that allows people to carry out cashless transaction without ATM cards and phones. ठीक है, UPI Lite क्यों आया था? UPI Lite को लाने का क्या मकसद था? Anyone who remembers? What is the revised upper loan limit that is raised by Kerala Financial Corporation under Chief Minister's Entrepreneurship Development Program? 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ और 5 करोड़ बताइएगा. ओके, अभी क्या दिख रहा हमें कि अपर लोन लिमिट क्या है जो कि केरल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के द्वारा रेस किया गया है अंडर चीफ मिनिस्टर्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, देखिएगा केरल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने रेस कर दिया अपर लोन लिमिट अंडर चीफ मिनिस्टर्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 रुपीज 2 करोड़. मोर MSMEs कैन गेट फंड्स एट अ कंसेशनल 5% इंटरेस्ट रेट. इस देश को लॉन्च किया गया है. द एज लिमिट सेट बाय गवर्नमेंट फॉर SC/ST एंटरप्रेन्योर्स वुमेन एंटरप्रेन्योर एंड नॉन रेसिडेंट इज 55 years. ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ बुक टाइटल द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस बायोग्राफी ऑफ इंडियाज फॉर्मर यूनियन डिफेंस मिनिस्टर. बताओ भाई. राहुल रामगुंडम, ए ए ए राहुल. ओके, देखो द बायोग्राफी ऑफ इंडियाज फॉर्मर यूनियन डिफेंस मिनिस्टर लेट जॉर्ज फर्नांडिस द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस विल बी रिलीज्ड इन जुलाई 2022. द बुक वॉज रिटन बाय राहुल रामगुंडम एंड पब्लिश्ड बाय पेंगविन रैंडम हाउस इंडिया. ही वॉज बोर्न ऑन June 3, 1930 इन मेंगलुरु. ओके, Veteran Palonji Ministry, who has passed away, was a famous political writer. Sorry, Mystery Ministry कह रही हूँ मैं. ठीक है, Palonji Ministry. ओके, मैं सोच रही थी Ministry की बोल रही हूँ. ठीक है, political writer, businessman, wildlife photographer, sports person और biochemist. ठीक है, ध्यान से देखो और बताओ. Obituary हम लोग देखो, जैसे obituary हो गया या books and authors हो गया, ये daily session में नहीं अपन लोग conduct करते हैं. ठीक है, ये जो अपने weekly होते हैं, because ये one liners होते हैं, जिसे easily अपन लोग कर सकते हैं. तो ये वन लाइनर्स के तौर पर यहाँ पे करते चलते हैं, जिससे हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा. बिकॉज डेली वाले में एज सच इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट या कोई एक्सप्लेनेशन ज्यादा इसमें जरूरी नहीं होती है. ठीक है, खैर आओ बातें कर लिया हम लोग Palonji Mistry की. तो चेयरमैन ऑफ शपूरजी Palonji ग्रुप Palonji Mistry हैज पास्ड अवे इन मुंबई एट 93 इन 2022. Palonji Mistry स्टैंड्स एट रैंक्स 125 व्हाइल ही वाज द 9th richest इंडियन पर्सन ऑफ 2021 as per the Forbes billionaire. He has been conferred with Padma Bhushan in the year 2016. ये थोड़ा important है, for his contribution in business including real estate, textile, power, shipping, publication and others. Who among the following Indian drones startup has received best drone organization startup category? InfoEd, Zomato, IG Drone, Atom या Garuda Aerospace. ये तो बहुत आसान से सवाल है, आराम से करने वाला फटाफट. हाँ, ये मिला है आपके आईजी ड्रोन्स को. ठीक है, इंडियन स्टार्टअप आईजी ड्रोन्स हैज बीन कंफर्ड विद द बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप कैटेगरी बाय ए अवार्ड्स फॉर इट्स अप्रोच ऑफ हेल्पिंग लोकल कम्युनिटीज. ठीक है, बाकी ड्रोन्स के बारे में हमने कई बार बात कर रखी है. ड्रोन महोत्सव आपका नई दिल्ली में हुआ है, ड्रोन स्कूल शुरू हो रहा है आपका मध्य प्रदेश में, दून ड्रोन मेला देहरादून में हुआ था, पहला ऐसा कंट्री जिन्होंने ड्रोन को अलाउ किया सिविलियन एयर स्पेस में ये इसराइल है. ठीक है, ये सारी बातें हमने कई बार कर रखी हैं.
ड्रोन के लिए पीएलआई कितनी है? 120 करोड़। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन एथलीट हैज वन गोल्ड मेडल एट क्वासनोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट इन अल्माटी कजाकिस्तान? नवजीत ढिलो, नवजीत ढिलो। ओके देखो देखो, इंडियन वुमेन डिस्कस थ्रोअर नवजीत ढिलो हैज वन द गोल्ड मेडल एट क्वासनोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट इन अल्माटी कजाकिस्तान। शी वन द वुमेन्स डिस्कस थ्रो एट 56.24 मीटर एफर्ट। ओके, यहां देखिएगा, करीना वैसेलेवा प्लेस्ड सेकेंड विथ 44.61 मीटर एंड उज्बेकिस्तान यूलिमान शुकीना एट द थर्ड विथ 40.48 मीटर ऑन द पोडियम। वी कृष्णमूर्ति हु पास्ड अवे वाज फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इसको रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे एक और ऑप्शन होना चाहिए था 1 2 3 करके, ठीक है। खैर चलो, इनके अवार्ड्स याद रखिएगा। इन्हें कंसिडर किया जाता था एज फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है। सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे। ये देख लीजिएगा इन्हें क्या क्या अवार्ड मिला है। पद्मश्री 1973 में इन्हें दिया गया था, ठीक है। पद्म भूषण 1986 में दिया गया था और पद्म विभूषण 2007 में दिया गया था। साथ ही साथ में इन्हें एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था मैनेजमेंट, जो कि एमा के द्वारा दिया गया था 2005 के अंदर, ठीक है। उसके ऑप्शंस में थोड़े से सही करके आप लोगों को दे दूंगी। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पर्सन हैज रिसीव्ड केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड विच इज प्रेजेंटेड बाई ब्रूहात बेंगलुरु महानगर पालिके एनुअली? बताइएगा, ए ए ए नहीं आता। देखो जरा ध्यान दीजिएगा, एस एम कृष्णा फॉर्मर कर्नाटका सीएम, एन आर नारायण मूर्ति इंफोसिस फाउंडर एंड प्रकाश पादुकोण फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर हैव बीन सिलेक्टेड फॉर केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड। द अवार्ड प्रेजेंटेड ऑन 513th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ केम्पेगौड़ा द आर्किटेक्ट ऑफ बेंगलुरु सिटी ऑन June 27 एट विधान सौध। अवार्ड कैश प्राइज ऑफ 5 लाख अलॉन्ग विद द प्लैक। Before becoming Chief Justice of Delhi High Court, Satish Chandra Sharma was served as the Chief Justice of which of the following High Court? ये तो बहुत बार हमने किया है। देखो, Justice Satish Sharma has sworn in as Chief Justice of Delhi High Court by Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena. He succeeded Justice D.N. Patel. Okay. Earlier he served as Chief Justice of Telangana High Court. इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? ये इसके पहले कहाँ के चीफ जस्टिस थे और ये अभी कहाँ पर बनकर के आए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके पहले ये कर्नाटका हाई कोर्ट में भी सर्व कर चुके हैं एज एन चीफ जस्टिस। ओके सॉरी, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज चेयरपर्सन ऑफ रिलायंस जियो इन्फोकॉम, ठीक है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरपर्सन अभी अभी किसको बनाया गया? ईशा अंबानी, नीता अंबानी, आकाश अंबानी, आनंदिया रसेल। फटाफट करते चलते हैं अपन लोग। द बोर्ड ऑफ रिलायंस जियो हैज अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ आकाश अंबानी एज इट्स चेयरमैन। ही हैज जॉइंड रिलायंस जियो इन 2014। ओके, द डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इंडिजिनियसली डेवलप्ड लेजर गाइडेड ATGM from main battle tank Arjun tank. What is the full form of ATGM? बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है, कई बार आप लोगों ने किया होगा। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहते हैं इसे, ठीक है। और अभी अभी DRDO ने इसकी टेस्ट फायरिंग करी है मेन बैटल टैंक अर्जुन टैंक से। कहां से? अहमदनगर से की गई है। फॉर्मर हॉकी प्लेयर वरिंदर सिंह हु हैज पास्ड अवे रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन विच ईयर? वरिंदर सिंह ये मेडल विनर थे, ठीक है। ये इनकी अभी भी मृत्यु हुई है। इन्हें ध्यानचंद किस ईयर में दिया गया था? तो ये इन्हें कब दिया गया था, देखो, ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 75। अब जरा यहाँ पे देखिएगा आप सभी लोग, ही हैज बीन कॉन्फर्ड द प्रेस्टिजियस ध्यानचंद एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 2007। ही वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोल्ड मेडल विनिंग इंडियन टीम एट 1975 वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप इन कुआला लंपुर। ओके, याद रखिएगा। Which of the following statements are correct regarding the global health care recently launched by Bajaj Allianz? It covers planned as well as emergency treatment.
The minimum sum assured is 37,50,000. This product provides healthcare service internationally and domestically. The product is available in three variants, namely Imperial Plan, Imperial Super Plan and Imperial Plus Plan. हालांकि इतनी डीप में आपसे पूछता नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को, लेकिन पॉइंट वाइज हमें याद होना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी हो जाएगा. देखो, इन्होंने लॉन्च किया है ग्लोबल हेल्थ केयर. ये कवर करता है इमरजेंसी प्लान को, जो सम इंश्योर है 37,50,000 से 3,75,000 करोड़ तक है शायद से, इजंट इट फिगर्स. देखो, इट ऑल्सो प्रोवाइड हेल्थ केयर इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली. इट इज अवेलेबल इन टू प्लान्स. फॉर ओवरसीज सिटीजन द मिनिमम पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड इज 180 डेज. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं थ्री वेरियंट नहीं है, ये टू है. ठीक है, और ये सही है. ठीक है, तो 1, 2, 3 आपके सही हो जाएंगे. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एनर्जी डिपार्टमेंट हैज साइंड MOU विद अदानी ग्रीन एनर्जी टू जनरेट 11,000 megawatt ऑफ ग्रीन पावर. गुजरात, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश. ऑल नहीं होगा यार, टू वेरियंट थे, थ्री नहीं थे. ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एनर्जी डिपार्टमेंट हैज साइंड अ MOU विद अदानी ग्रीन के साथ में, ठीक है, ताकि 11,000 megawatt जनरेट किया जा सके. तो ये महाराष्ट्र ने अभी अभी इसके साथ में MOU साइन किया है AEGL के साथ में, और इसके साथ में इन्होंने कहा है कि हम लोग ग्रीन पावर को जो है जनरेट करने की कोशिश करेंगे. अब ये देखिएगा, अदानी ग्रीन जो है ये सेटअप करेगा पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट इन द नेक्स्ट 5 years एंड विल प्रोड्यूस 11,000 megawatt पावर. अदानी ने जो मैक्सिमम अपने प्रोजेक्ट साइन किए हैं ये महाराष्ट्र या गुजरात के साथ में किए हैं, इससे आप लोग गेस भी कर सकते हो कई बार. कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट कम्युनिकेशन देवशीष चौहान टुगेदर हैव लॉन्च पोर्टल नेम्ड डाक कर्मयोगी. इट इज एन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कर्मयोगी जब आया था तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, अब इससे भी बहुत सारे आएंगे. ठीक है, ये एक ई लर्निंग पोर्टल है, जो भी लोग डाक सेवा में हैं, जो भी डाक सेवक है उनको बेहतर से बेहतर काम कर सके ज्यादा इनोवेटिव अप्रोच के साथ, इसलिए डाक कर्मयोगी लाया गया है. कहीं ना कहीं ये कर्मयोगी को ही फॉलो कर रहा है. मिशन कर्मयोगी सिविल सर्वेंट्स के लिए था, ये डाक सेवक के लिए है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अप्लाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ इमर्जिंग कंट्रीज ब्रिक्स. इनको हर जगह मेंबर बनना है. ईरान ने अप्लाई किया है कि हमें मेंबर बनाओ ब्रिक्स का. ईरान इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट गैस रिजर्व एंड मेंबरशिप इन द ब्रिक्स ग्रुप वुड एड वैल्यूज फॉर बोथ द साइड्स. ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल स्टेट्स डे, जो कि पीसी महालनोबिस जी के बर्थडे पे 29 जून को हमारे देश में मनता है. देखो, अगर हम बात करें तो इस बार का जो थीम था ये क्या था, डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यह हर साल 29 जून को मनता है, पीसी महालनोबिस जी का बर्थडे था उस दिन. Who among the following has been elected as a president of International Weightlifting Federation? ओके, अब जैसे आप लोग देख सकते हो, मोहम्मद जालूद को अभी अभी अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन एट एन इवेंट इन तिराना, अल्बानिया. ओके, जालूद इज फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट सिंस तमाज अजान हैज स्टेप डाउन इन 2020 आफ्टर कंट्रोलिंग द IWF फॉर 44 इयर्स. अर्लियर ही हैज वर्कड एज जनरल सेक्रेटरी, ही हैड वर्कड एज स्पेंडिंग द लास्ट 5 इयर्स IWF जनरल सेक्रेटरी. ठीक है, ओके, मुझे लगा था अभी दो क्वेश्चन और होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि वो दो क्वेश्चन शायद अभी नहीं हुए. ठीक है, चलो खैर, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो. कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो बता दीजिएगा, ठीक है, नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा. दो क्वेश्चन और थे जो मुझे ऐसा लगता है मेरे एंड से मिसिंग है शायद से. चलो क्या, फिर मिलते हैं. बाकी के लिए आप लोग अपना संडे एंजॉय करो, और अगर याद रखे रहिएगा कल आप लोगों का सेल खत्म हो जाएगा, सुपर सिलेक्शन सेल. तो जो भी इंटरेस्टेड है, यूज कूपन कोड SUSHMITA टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट. एंड इफ यू वॉन्ट टू रिसीव द PDF, अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो ये मेरी टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे आप लोग मुझे ज्वाइन कर लेना. ठीक है, ये कोड लगाइएगा वाइल मेकिंग एनी परचेज. नाउ हैव अ ग्रेट संडे. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. गॉड ब्लेस यू दोस्तों. लव यू. बाय.